नमस्कार अम्रीजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली ये BHOPG 2024 का ऑफिशियल कटआप आपके सामने मैं रख रहा हूँ। थोड़ा विजिबिलिटी डाउन भी हो सकता है, ध्यान देना, पूरा व्हाइट पेज है तो कैमरा थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फिर भी मैं कलर इसका ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा कि ये अच्छा नजर आए आप सभी को। ठीक है, इसको देखने का तरीका ये है कि मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए बोलूंगा जब मैं पूरा ओपन करूंगा तब। पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो लॉ के बच्चे जो है वो रेडी हो जाए। ध्यान देना, पूरे 67 स्लाइड का है, पूरे कोर्स का ही मैं दे रहा हूं। मतलब अब आप फर्स्ट राउंड कटा घर बैठे देख सकते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। होता है क्या है, अभी एक बच्चे का कॉल आया था, रो रहा था, उसको डिपार्टमेंट की तरफ से आया डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए और वो पैनिक हो गया कि सर ये तो है ही नहीं, मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस छोटी छोटी प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना, मैं अपने वीडियोज में बताता रहता हूँ। सो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आखिर आपके लिए इतना मैं एक महीने से लगातार वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दिया कि 11 तारीख को कट ऑफ आ जाएगा, एक हफ्ता पहले बता दिया था, आया भी। मैं आपको इसका लिस्ट ला के दे रहा हूँ, कहीं कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और कल सुबह कल रात में पता नहीं कितने लोग का मैं ऑफिशियल एनालिसिस कर रहा था बैठ के, तो कहीं ना कहीं इस चैनल की जो एक एथेंटिसिटी है वो बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें इतना अच्छा चैनल और लोगों में पहुंचाएं। हम लोग को ओनली 19K चाहिए अपना 100K पूरा करने के, इसलिए आपको बोल कर रहा हूं क्योंकि प्लीज आप भी हमें सहयोग करें, क्योंकि मैं आपके लिए सहयोग कर रहा हूं। तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से मोरल वैल्यूज के तौर पर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लॉ का है, ठीक है, पेड सीट का ऊपर चार है, उसके बाद रेगुलर सीट का है। ठीक है, यहां पे C1 का मतलब है, C1 का मतलब है नॉन BHU स्टूडेंट, C2 का मतलब है BHU स्टूडेंट। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना, C1 C2 लिखा हुआ है ना कोडिंग, C1 का मतलब होता है क्या, यहाँ पे मैं एक बार आपको ऑफिशियली कंफर्म भी कर देता हूँ, जो नोटिफिकेशन मुझे आया हुआ है उसमें जो मुझे खास इंस्ट्रक्शन दी गई है, C1 C2 किसको बोल रहा है, C1 नॉन BHU स्टूडेंट, ध्यान देना, और C2 BHU स्टूडेंट। ठीक है, C2 कौन है, BHU, बस एक याद रखो C2 BHU स्टूडेंट है, बाकी तो अपने आप कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये C1 मतलब आप लोगों EWS 199, ST 141, SC 170, OBC 190, अनरिजर्व 208, PW 157, EWS 200, ST 143, SC 174, OBC 194, अनरिजर्व 211, मैं आपको बताया था सुबह में। ठीक है, यहां पे फिर अनरिजर्व 211 हो गया, EWS 129, ST 66। ठीक है, यहां से दूसरा आ गया, छाछट वाला छोड़ देना। ठीक है, यहां से आ गया एक कम्युनिटी मेडिसिन का, यहां से छोड़ देना, ये ऊपर का कट ऑफ है, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब कम्युनिटी मेडिसिन के बच्चे जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके पूरे काम का हो सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे ये आपका कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, और यहाँ पे आपके मार्क्स हैं। ठीक है, इधर आपका कोर्स है, उधर आपका डिपार्टमेंट है, कोड भी है। ये आचार के बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये आचार के बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद ये बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पूरे बच्चे जो हैं वो दर्शन के हैं, जैन दर्शन के हैं, वेदांता के हैं, मीमांसा के हैं, जो भी हैं जल्दी जल्दी ले लो, ये बच्चे ले लो जितने भी हैं, क्योंकि ये सब बच्चे बहुत लिमिटेड है, मैं चाहूंगा कि ये लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल साइंस का स्टार्ट हो गया, यहां से एग्रोनॉमिक बच्चे यहाँ पे होंगे। देखो एग्रोनॉमी में क्या क्या है, PWD 171, ठीक है, EWS 225, ST 190, SC 198, OBC 219, अनरिजर्व 228, ST 183, OBC 114, अनरिजर्व 222, SC 158। ठीक है, ध्यान देना, इधर से जूलॉजी स्टार्ट, अब जूलॉजी का ध्यान से सुनो, जूलॉजी का देखो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, जूलॉजी के बच्चे जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ये जूलॉजी का है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपके रिजर्व कैटेगरीज है, यहाँ पे आपके मार्क्स है, इस नंबर तक फर्स्ट राउंड में कॉलिंग जा चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लो जूलॉजी वाले बच्चे। ठीक है, ओके, जूलॉजी के बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग चलते हैं, जूलॉजी का हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन का ले लो। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का ले लो, जितने बच्चे हैं वो ले लो यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आगे, हाँ यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं DGP बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, प्लीज आप लोग जितने बच्चे भी इस कोर्स से हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, ये यहां पे है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का है। ठीक है, फिजियोलॉजी का है, ये इनका मार्क्स है, ये इनके कैटेगरीज रैंक वाइज है, प्लीज आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसमें है क्या कोई, अगर यहां पे भी कोई है तो ले लो। ठीक है, कोई भी हार्टिकल्चर से है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका हार्टिकल्चर बच्चा हो गया। ठीक है, जब फेमस आएगा तो मैं अच्छे से रोक दूंगा।
ये भी है फ्रूट साइंस का है, प्लीज जो भी है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ डेयरी डेयरी के बच्चे होंगे यहां से ले लो, ये पूरा डेयरी टेक्नोलॉजी का है। पीडब्ल्यूडी देखो कितना कम गया है, 85 ईडब्ल्यूएस, 115 एसटी, 91 एससी, 77 ओबीसी, 103 ऑन रिजर्व, 135 ईडब्ल्यूएस, 66 कितना कम गया है। ये ए फार्मिंग इंजीनियरिंग का, ये ऊपर वाला था, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो भी है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसको किसको आरजीएससी में गया है, देखो अच्छे से लिखा हुआ है, ये आरजीएससी का कट ऑफ है, यहाँ पे आरजीएससी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ गए यही कोर्स मास्टर ऑफ एजुकेशन जो है वसंता में कितना गया है, देखो ध्यान देना वसंता में कितना गया है, पीडब्ल्यूडी 71, ईडब्ल्यूएस 122, एसटी, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे जो भी है, जो भी एमए एजुकेशन के बच्चे हैं प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, वसंता में कितना गया है देख लो, ये मिनिमम, अगर वसंता में इतना गया है तो इसका मतलब कि बच्चे जो हैं वो एफिलेटेड में जा रहे हैं, वसंता एफिलेटेड कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद और नीचे में जा रहा हूं, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो पेड सीट स्टार्ट हो गया, एमए एजुकेशन का ही पूरा है, मैं पूरा स्लाइड यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा एमए एजुकेशन का है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ले लिए, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेना जो भी छूटा है, ओके अब यहां से ले लो स्क्रीनशॉट, मास्टर ऑफ एजुकेशन का जो भी बच्चे हैं यहां से पूरा ले लें, ठीक है ठीक है। स्पेशल एजुकेशन का है, ध्यान देना स्पेशल एजुकेशन का है पूरा, और ये आपकी मार्क्स है, ठीक है, एससी ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस का है पूरा, ठीक है ले लिए। अब कोई बच्चा अगर अरेबिक डिपार्टमेंट पढ़ना चाहता है, एमए अरेबिक करना चाहता है, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका, आप इसको ले लेना, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है इंग्लिश, देखो इंग्लिश का मैं यहाँ पूरा ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान से ले लो, ये इंग्लिश का है, ये बच्चे जो वीसीडब्ल्यू में एडमिशन लिए हैं इंग्लिश में उनका ये यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है, 113, 62, 71, 101, 130, 14, 126, 111, 115, ठीक है। C1 का मतलब होता है नॉन बीएचयू कोटा, C2 मतलब होता है बीएचयू कोटा, C2 मतलब हम लोग यानी जो बीएचयू वाले हैं, ठीक है। ये है देखो पूरा इंग्लिश है, पूरा इंग्लिश है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा इंग्लिश है, यहाँ पे कॉलेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लो और आराम से अपने मार्क्स मैच कराओ कि आपका नंबर कितना है और किस कॉलेज में आपके होने वाले सेकेंड राउंड में पॉसिबिलिटीज है एडमिशन का, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ले पा रहे होंगे, ठीक है ओके। इंग्लिश का हो गया यहां तक, ये वाला भी ले लेना, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो कोई बचा हो तो। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी पूरा इंग्लिश है, पूरा इंग्लिश है, ये देखो कितना कम नंबर गया है, 96 तक एसटी कैटेगरी में चला गया है वसंता कॉलेज यानी वीकेएम में, वीकेएम में स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ठीक है। ये भी ले लेना इंग्लिश का ही है, ये भी। अब देखो फ्रेंच, यहां से फ्रेंच स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश और फ्रेंच, फ्रेंच जर्मन, जो भी फ्रेंच जर्मन लेना चाहते हैं ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में इनको जा रहा है, ये इनके मार्क्स हैं फ्रेंच जर्मन के, ठीक है, फ्रेंच जर्मन का ले लो स्क्रीनशॉट, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। यहां से हिंदी स्टार्ट होता है, मैं हिंदी को ऊपर कर दे रहा हूं, देखो यहां से हिंदी स्टार्ट हो रहा है, ये हिंदी है, ठीक है, ये हिंदी है। अगर किसी का छूट जाता है तो मेरा इंस्टा आईडी निर्दर्शन, वहां मुझे स्पेशली मैसेज करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। देखो ये हिंदी है पूरा, ठीक है, हिंदी का देख लो यहाँ पे, ये वीकेएम वीसीडब्ल्यू में जा रहा है, ठीक है, वीसीडब्ल्यू में जा रहा है, और ये जो कट ऑफ है देखो पूरा हिंदी का है। हम लोग मेन कैंपस के हिंदी का देखते हैं, देखो ये है आपका मेन कैंपस, अभी नहीं है ये, पूरा पूरा डीएवी है, ठीक है। देखो ये है वीसीडब्ल्यू, फिर वसंता वीकेएम, फिर डीएवी, ठीक है, ये आपका मार्क्स में हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा हिंदी का, ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आर महिला पीसी कॉलेज में हिंदी का क्या हुआ है देख लो, बहुत ज्यादा कम गया हुआ है, ठीक है। ये भी हिंदी का, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ आप ले लो स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का हिंदी है, ध्यान दो, देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का हिंदी है, ईडब्ल्यूएस 199, एसटी 115, एससी 158, ओबीसी 194, अनरिजर्व का है 214, पीडब्ल्यू का 171, ईडब्ल्यूएस का 212, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेन कैंपस के हिंदी का कटाप है, ठीक है ले लिए। यहाँ पे कुछ तेलुगु उर्दू वगैरह सब्जेक्ट्स है, तेलुगु उर्दू जो भी बच्चा इसमें है, ठीक है, देखो तेलुगु उर्दू पाली और संस्कृत, जो संस्कृत के बच्चे हैं प्लीज देख लो यहाँ पे संस्कृत के, ये जितने भी गर्ल्स कॉलेजेज हैं वीसीडब्ल्यू वीकेएम ये सब गर्ल्स डीएवी दोनों के लिए, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, ये देख लो ये कट ऑफ है, ठीक है ये कट ऑफ है। ओके यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डीएवी का, ये भी देखो पूरा संस्कृत है, मैं हट गया हूं स्क्रीनशॉट ले लो, अब समझा देता हूं। देखो ये है डीएवी, इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों जाते हैं। अगर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी ये अनॉन बीएचयू का है 123 है, तो ये कट ऑफ गिरेगा और बच्चे बहुत सारे हैं जो पेमेंट छोड़ेंगे, और पेमेंट छोड़ेंगे तो ये बच्चों को
आगे मौका मिलेगा इसमें, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। संस्कृत का ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, ठीक है। देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का है, यहां से देखो यहां से मेन कैंपस स्टार्ट हो रहा है। प्लीज जो बच्चे भी मेन कैंपस पढ़ना चाहते हैं संस्कृत वाला, वो स्क्रीनशॉट ले ले, यहां से यहां तक है, ठीक है। ओके ओके, अब लिंग्विस्टिक का, कुछ लोग मुझे लिंग्विस्टिक का मांग रहे थे ना बहुत दिन से। देखो यहां से लिंग्विस्टिक स्टार्ट होता है, ले लो यहां से पूरा लिंग्विस्टिक स्टार्ट होता है। ये पूरा डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का लिंग्विस्टिक है, ये मार्क्स है। काफी कम कटाव गया है लिंग्विस्टिक का, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ये लिंग्विस्टिक का है, कुछ लोग चाहें तो लिंग्विस्टिक का देख सकते हैं, ठीक है। बाकायदा आराम से देख लो, ठीक है, लिंग्विस्टिक का देख लिए। ओके, अभी हम लोग आ गए EISC पे, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो EISC का। देखो यहाँ पे VCW का है, ठीक है, उसके बाद VKM का है, फिर DAV का है, पूरा यहाँ तक, फिर R महिला का है, ये पूरा है यहाँ पे, पूरा आपके रिजर्व कैटेगरी से ये मार्क्स है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे ये देखो मेन कैंपस का EISC मेन कैंपस का डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का, देखो ST का मात्र 45 नंबर, SC का मात्र 79 नंबर, EWS का 136 नंबर, कितना कम कटाव गया है, देख रहे हो कितना कम कटाव गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का देख रहे हो, रेगुलर सीट के लिए, रेगुलर सीट के लिए कितना कम गया हुआ है, 48 45 46 कितना कम गया हुआ है, आप लोग देखो एक बार कितना कम कटाव गया हुआ है। अभी एक कटाफ और डाउन होगा, अगर पहला राउंड इतना कम गया है तो एक कटाफ और डाउन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, EISC का हो गया। उसके बाद हम लोग आगे हिस्ट्री, हिस्ट्री आप आर्ट का ले लो, हिस्ट्री आप आर्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चाहे। यहाँ पे फिलोसफी का है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिलोसफी का जानना चाहते थे। देखो फिलोसफी का ये पूरा का पूरा है, आराम से इसको पढ़ो और ये कट ऑफ आप लोग मैच करा लो, ठीक है, ठीक है। ये देखो एफिलेटेड कॉलेज में फिलोसफी का ये सब गया हुआ है, ये एफिलेटेड कॉलेज में है, ठीक है, VCW DAV बसंता में गया है, ये आपका मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा फिलोसफी का है जो कि डीएवी का है, डीएवी का है, देखो ये डीएवी है, नीचे आपका ये है डीएवी, ये आर महिला पीजी कॉलेज। अब डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का आ गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का फिलोसफी का है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस फिलोसफी ध्यान से देखो कितना कितना गया है। देखो EWS 135, ST 96, SC 93, OBC 119, अनरिजर्व 167 और EWS 141, ठीक है। ये मेन कैंपस का गया हुआ है, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसमें रिलीजन आप मतलब इसमें IPR और दोनों है, देखो ये IPR फिलोसफी एंड रिलीजन, ठीक है, इसमें दोनों है, ध्यान देना। मास कम्युनिकेशन का कुछ बच्चे पूछ रहे थे, भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मास कम्युनिकेशन वाले ओनली DMC में है, यानी बस मेन कैंपस में है, ये आपका 185 114 135 166 188, ठीक है, ये आप लोग ले लो, मास कम्युनिकेशन बच्चे जितने भी हैं ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी का अगर कोई बच्चा है तो ले लो म्यूजियोलॉजी, और नीचे हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का है, ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी का ले लो, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस का, कोई बच्चा अगर लाइब्रेरी साइंस का है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लाइब्रेरी साइंस का है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये ले लो आप लोग। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्म, जो भी इसमें लाइब्रेरी साइंस का बच्चा है आराम से देख लो, ले लो, यहाँ पे आपका कोटा है, ये आपका स्कोर है, ठीक है, इतने नंबर तक एडमिशन गया है फर्स्ट राउंड में, ठीक है। ओके, लाइब्रेरी साइंस का हो गया, ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग आगे, हम लोग आगे ठीक है, इसमें देख लो पार्सियन वगैरह का है, पार्सियन डिपार्टमेंट में कुछ कोर्सेज चलते हैं, मुझे लग रहा है बहुत कम लोग होंगे इसमें बच्चे। हिस्ट्री का देख लो, हिस्ट्री का स्टार्ट हो गया यहाँ से, हिस्ट्री का देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, हिस्ट्री का स्टार्ट हो गया, जल्दी से देख लो हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का स्टार्ट हो गया है, ये रहा हिस्ट्री का स्टार्ट कर लो, देख लो ये हिस्ट्री का रहा, देख लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, हिस्ट्री का है, ओके, ये पूरा हिस्ट्री का है, ध्यान देना पूरा हिस्ट्री का है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार देख ले रहा हूँ कैमरे में विजिबल है, हाँ हिस्ट्री का है, आराम से ले लो, ठीक है, ओके ले लो, हाँ ठीक है, ओके। अब हम लोग आ गए यहाँ पे, ये भी हिस्ट्री का है और पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का है, ले लो आप लोग आराम से, ठीक है, हाँ देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके ओके, ये ले लो आप लोग, पॉलिटिकल साइंस का है, पॉलिटिकल साइंस का है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है, ले लिए, ओके। अब यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बार और देख लिए, ठीक है, ध्यान देना नीचे सोशियोलॉजी आने वाला है, ये स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ठीक है। अब लो सोशियोलॉजी का, ये स्क्रीनशॉट लो सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी का है, ध्यान देना सोशियोलॉजी का है, पूरा इसमें लिखा हुआ है कॉलेज है, जहां पे मैच करा लेना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सोशियोलॉजी का और डीएवी से लेके पूरा आर महिला तक, डीएवी से लेके आर महिला तक स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, डीएवी से लेके आर महीना तक पूरा स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, ठीक है। ओके ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी सोशियोलॉजी का ही है, ये भी सोशियोलॉजी का ही है, ये भी ले लो स्क्रीनशॉट बकायदा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां से हम लोग स्टार्ट हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स, ये पूरा ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पवाया बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये ले लो आप लोग, ठीक है। और ये आपका रहा इकोनॉमिक्स का, प्लीज जो बच्चे भी इकोनॉमिक्स एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं उनका ये है, स्क्रीनशॉट ले लो एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं एक बार हट जाता हूँ, आराम से बकायदा ले लो, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एमए इकोनॉमिक्स ले लिया आप लोग ने, ये भी ले लो, ये भी कुछ कॉलेजेस का है, ये है आपका डीएवी आर महिला पीजी कॉलेज बसंता, ठीक है, ये पूरा आपका मार्क्स है, ले लो। हट गया मैं, बाहर हट गया, ठीक है। ओके, ये भी ले लेना, छूटा होगा कुछ तो, ठीक है। अब ये ले लो, ये भी पूरा इकोनॉमिक्स है। अब आपका एमकॉम आने वाला है, अब आपका एमकॉम आने वाला है, अब आपका एमकॉम आने वाला है, ठीक है, अब आपका एमकॉम आने वाला है, अब आपका एमकॉम आने वाला है, ठीक है। एमकॉम देखो, यहां से एमकॉम का स्टार्ट हो गया, ये एमकॉम का स्टार्ट हो गया, जल्दी से ले लो, ठीक है। ये पूरा एमकॉम का है भाई, ध्यान से सुनो, एमकॉम का देखो, ये है ऊपर डीएवी आर महिला पीजी कॉलेज, पूरा यहाँ पे पेड लिखा हुआ है, पेड पेड मतलब होता है 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये ले लो मास्टर, आपको इसमें ले लो पूरा का पूरा, ढेर सारा है, ले लो जिसका जिसका भी चाहिए आपको। देखो यहाँ पे स्टार्ट है, यहां तक कॉमर्स का है, ले लो, ठीक है। ओके, फिजिक्स, फिजिक्स का ले लो भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, जल्दी लो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों लो, जल्दी से लो, लो भाई लो लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिजिक्स का ये है पूरा, ये है आपका मार्क्स, ध्यान देना कि डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का पेड है ये डिपार्टमेंट ऑफ मेन केमिस्ट्री है, ये नीचे केमिस्ट्री भी है, ध्यान देना। लो एक बार केमिस्ट्री में फिर से लगा दिया, ये लो केमिस्ट्री पूरा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। ओके, ले लो भाई जियोलॉजी, जियोलॉजी कौन कौन है भाई, आ जाओ जियोलॉजी, जियोलॉजी 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 जियोलॉजी, उसी के नीचे जियोलॉजी भी आ जाओ, लो भाई जियोलॉजी आ गया, जियोलॉजी, जूलॉजी ऊपर रेगुलर है, नीचे पेड है, ऊपर रेगुलर है, नीचे पेड है, ध्यान देना, जूलॉजी भी हो गया, जूलॉजी भी हो गया। ओके, ऊपर रेगुलर है, नीचे पेड है, स्क्रीनशॉट ले लो, जूलॉजी हो गया। ओके, यहाँ पे बॉटनी, बॉटनी 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 ले लो भाई, बॉटनी ले लो, बॉटनी ले लो, ठीक है, बॉटनी हो गया, बॉटनी ले लो, बॉटनी ले लो, ये देखो पूरा का पूरा मेन कैंपस में, बॉटनी ले लो, बॉटनी ले लो, बॉटनी ले लो, ठीक है, बॉटनी हो गया। कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस ले लो भाई, ले लो, आ गया कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये देखो कंप्यूटर साइंस, ये नीचे पेड है दोस्तों, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बाकी आपको रेगुलर फी ऐड करके देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, आप आ जाओ बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारे लोग हैं भाई, बायोकेमिस्ट्री ले लो, बायोकेमिस्ट्री ले लो, बायोकेमिस्ट्री ले लो, बायोकेमिस्ट्री ले लो, बहुत सही, बायोकेमिस्ट्री ले लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में कुछ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, लो भाई माइक्रोबायोलॉजी ले लो, ये भी ले लो, जल्दी ले लो, माइक्रोबायोलॉजी ले लो, यहाँ पे पूरे कट ऑफ है, काफी हाई कट ऑफ क्या हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं नीचे, ये लो, ये लो जियो फिजिक्स, जियो फिजिक्स ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जियो फिजिक्स लो, जियो फिजिक्स लो, हो गया। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ध्यान देना यहाँ से पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ठीक है। ये देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन राजीव गांधी, कंप्यूटर एप्लीकेशन राजीव गांधी, बायो इन्फोमेटिक्स आर महिला पीजी कॉलेज, ले लो ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, ये हो गया भाई। ये देखो होम साइंस, होम साइंस, होम साइंस, चलो भाई जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, होम साइंस क्या कट ऑफ है, 30 नंबर पे एडमिशन भाई, ये क्या हो रहा है, 30 नंबर पे एडमिशन, 44 नंबर पे एडमिशन, 40 नंबर पे एडमिशन, ओ माय गॉड। चलो भाई होम साइंस उठाओ, होम साइंस उठाओ, होम साइंस उठाओ, ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे बढ़ो। ये देखो होम साइंस, भर भर के होम साइंस ले जाओ भाई, ये क्या है, 27 नंबर पे एडमिशन, 31 नंबर पे एडमिशन, ले जाओ ले जाओ, होम साइंस, होम साइंस, होम साइंस, ये देखो होम साइंस पूरा उठा के ले जाओ। मैथमेटिक्स आ गया, अरे भाई मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, बहुत डिमांड था मैथमेटिक्स का, लो भाई मैथमेटिक्स आ गया, लो उठाओ मैथमेटिक्स, ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस है, पूरा डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का मैथमेटिक्स है। स्टैटिक्स आ गया, लो भाई स्टैटिक्स आ गया, लो भाई स्टैटिक्स आ गया, लो
ले लो, जल्दी ले लो, स्टैटिक्स आ गया, जल्दी से ले लो, ठीक है, स्टैटिक्स हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, ये देखो साइकोलॉजी, ओ भाई लो, साइकोलॉजी आ गया, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इसका कट ऑफ जा रहा था, लो भाई लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से लो, साइकोलॉजी आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा साइकोलॉजी, पूरा एफिलेटेड कॉलेज, आर महिला बसंता सब लो, देखो यहाँ पूरा पड़ा हुआ है, स्क्रीनशॉट लो अपना, आराम से बैठ के मैच कराओ, लो ये हो गया, ये लो साइकोलॉजी, पूरा साइकोलॉजी है, स्क्रीनशॉट लो, साइकोलॉजी। ये देखो ज्योग्राफी, ओ भाई ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी लो, ऊपर रेगुलर, नीचे पेड, 10 रुपए एक्स्ट्रा, यहाँ पे बस सेमेस्टर फी देना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग आ गया, कोई है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गए। एजुकेशन लैंग्वेज, बीएड लैंग्वेज आ गया, जल्दी से लो भाई, बीएड लैंग्वेज स्क्रीनशॉट ले लो, देखो बसंता का है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंप, आर महिला का है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, काफी हाई कट ऑफ जा रहा है, देख लो काफी हाई कट ऑफ जा रहा है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, साइंस का ये, ठीक है, ये साइंस का है, ये पूरा साइंस का है, मैथ्स भी बीच में, अब यहां से मैथ्स स्टार्ट हो गया, बीएड मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, मैं देख रहा हूं, हाँ आप लोग ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चलो ये हो गया, चलो अब ये तो क्या है भाई, होम साइंस, लो भाई ह्यूमैनिटीज आ गया, बहुत सारे देख रहे हो कट ऑफ ह्यूमैनिटीज का, बीएड ह्यूमैनिटीज कट ऑफ एकदम डाउन है, ये कोई कट ऑफ है, ये देख रहे हो 82 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, लो मैं फिर से नीचे कर दिया, प्रॉपर वे में ले लो, ठीक है, हो गया, लो यहां से पूरा हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, ये भी वही है, चलो भाई ठीक है, हो गया, एमए एजुकेशन ले लो भाई, ये पूरा एमए एजुकेशन का है, पेड सीट है, ऊपर नीचे रेगुलर सीट है, ठीक है, ये आ गया, क्या ये पूरा एजुकेशन का ही है, यहाँ पे सॉयल साइंस का भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, लो भाई आगे बढ़ रहा हूं मैं, हाँ ये एंथ्रोपोलॉजी, ओ भाई एंथ्रोपोलॉजी लो, वाह भाई वाह, ये देखो पूरा का पूरा मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस फलाना ढिमकाना सब है यहाँ पे, लो यहाँ पे इधर ये पकड़ो, बहुत सही, मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस, ओके, ये पूरा इन्वायरमेंटल साइंस का है, पूरा लिखा हुआ है, राजीव गांधी कहाँ किसका होना है, जल्दी आप लोग पकड़ लो, ठीक है, ओके, हिंदू स्टडीज कौन है भाई, हिंदू स्टडीज स्क्रीनशॉट लो, कौन हिंदू स्टडीज का है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ये पूरा हिंदू स्टडीज का है, कट ऑफ कितना हाई है, देख रहे हो, ओ भाई 240 तक रिजर्व जा रहा है भाई, बहुत ऊपर है, ये यहाँ पे भी कोई है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट चलता है, देख लो कौन सा कोर्स है, ये भी ले लो, ठीक है, हाँ ये जेंडर स्टडीज का कोई मुझे बोल रहा था, लो भाई जेंडर स्टडीज लो, पूरा का पूरा कटा पड़ा हुआ है, जेंडर स्टडीज का लो, ठीक है, ये कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में ही लग रहा है, कुछ चलता है उसका ले लो, आईपीआर का है, ये आईपीआर का है, ऊपर फिलोसफी था, ये आईपीआर का है, ठीक है, ओके, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आईपीआर का है, ले लो, ओके, ठीक है, अब एलएलएम आ गया, ठीक है, मास्टर ऑफ लॉ, LLM आ गया, लो भाई LLM का स्क्रीनशॉट लो, LLM के बहुत सारे लोग थे, सब 2 ईयर LLM का है, ध्यान देना ये पेड है, ऊपर रेगुलर है, LLM के जो भी बच्चे हैं वो ले सकते हैं, ठीक है, हाँ वो ओके, LLM है, पूरा LLM है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा LLM है, ठीक है, ओके, ठीक है, LLM हो गया, अब ये ले लो भाई स्पेशल एजुकेशन साइंस करके पूरा, देखो स्पेशल एजुकेशन का पड़ा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन का ही है पूरा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये और इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जल्दी इस वीडियो को शेयर करें और जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये लिस्ट वहां भी मैं अपलोड कर दूंगा जैसा मेरे पास पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, मुझको आते शुभकामनाएं, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।